तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, भले ही हम वर्कआउट करते हो या नहीं करते हो, फिर भी हमें अश्वगंधा क्यों लेना चाहिए, क्या है उसके बेनिफिट्स, क्या है उसका सही डोज और साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी हमारे इस चैनल पे वीडियो पब्लिश होगा आपको उसका पर्सनली नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ अबाउट दिस चैनल। वेल दिस चैनल इज बेस्ड ऑन टू कंटेंट, फर्स्ट इज फिटनेस एंड सेकेंड इज ट्रैवलिंग। फिटनेस जो कि मेरा पैशन है और ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। हमने बहुत सारे वर्कआउट सीरीज बनाए, अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, शुरू करते हैं। तो गाइस अश्वगंधा एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है, आई मीन टू से उगाई जाती है। बट जैसे ही हम अश्वगंधा का नाम सुन लेते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ क्लिक होती है, दैट इज इंक्रीजिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। गाइस अश्वगंधा सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी को ही इंक्रीज नहीं करता है, साथ ही साथ अश्वगंधा हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल डिक्रीज करता है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, एंजाइटी से फाइट करता है, मसल फटीग कम होने देता है, मसल मास इंक्रीज होता है। और जो मेल और फीमेल को डायबिटिक इशू है, डायबिटिक प्रॉब्लम है, उनका भी डायबिटिक मेंटेन करके चलता है अश्वगंधा। अब जो स्टडी मैंने पढ़ी है कितना डोज हमें लेना चाहिए पर डे का, तो वो है 250 mg टू 1000 mg पर डे अप टू 3 months। बट जो मेरा रिकमेंडेड रहेगा वो रहेगा आप फॉर अ बेस्ट रिजल्ट 1000 mg पर डे लीजिए अप टू 6 months। अश्वगंधा हमें सिर्फ 6 महीने लेना है, रेनी सीजन में और विंटर में। हमें अश्वगंधा गर्मी में अवॉइड करना है क्योंकि अश्वगंधा की जो प्रॉपर्टी रहती है वो ऑलरेडी हीट देती है, इसलिए गर्मी में हमें अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। इसलिए फॉर अ बेस्ट रिजल्ट आप 1000 mg पर डे का लीजिए फॉर अ 6 months। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के पहले भी ले सकते हैं, वर्कआउट के आप बाद भी ले सकते हैं, और अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आप एक 500 mg का जो कैप्सूल रहता है या आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं या आप टैबलेट फॉर्म में लेते हैं वो आप लंच के बाद ले लीजिए, और एक आपको लेना है डिनर के बाद। गाइस अगर आपको पाउडर फॉर्म में अश्वगंधा लेना है तो आपको पर डे का 1 tablespoon लेना है विथ मिल्क, ऑल राइट, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बट अगर आपको टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में चाहिए तो हमें 250 mg पर टेबलेट मिल जाता है हिमालयन में, जो कि इजीली ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबल है, अराउंड 160 से 180 की रेंज में हमें मिल जाता है। बट अगर आपको 1000 mg का कैप्सूल चाहिए तो वो न्यूट्रावे पे इजीली मिल जाता है। न्यूट्रावे का खुद का अश्वगंधा टैबलेट्स आती हैं जो कि अराउंड 280 से लेके 300 की रेंज में हमें मिल जाता है। वैसे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अश्वगंधा प्रोवाइड करते हैं, बस सारे ब्रांड्स में प्रॉपर्टी एक ही रहती है, कोई कोई ब्रांड में mg कम रहता है, mg ज़्यादा रहता है। तो आपका क्या सही गोल है, अगर आप मेरे रिकमेंडेंट से चलेंगे तो आपको पर डे का 1000 mg लेना है, इससे ज़्यादा आपको कभी भी नहीं जाना है। 1000 mg पर डे का सेफ डोज है, आप उसे आँख बंद करके ले सकते हैं फॉर अ बेस्ट रिजल्ट अप टू 6 months। ऑल राइट, अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो गाइस इसके जो बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं वो ये रहता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, मसल मास इंक्रीज होता है, मसल फटीग कम होता है, एंजाइटी की अगर प्रॉब्लम रहती है तो एंजाइटी से फाइट करता है, ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है, हार्ट फंक्शन इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम रहती है उसको डिक्रीज करता है, साथ ही साथ हमारी जो स्किन है वो ग्रोइंग बनाता है, और साथ ही साथ कैंसर जैसी बीमारियों से फाइट करता है। तो गाइज ये थी इसके बेनिफिट्स जो कि अश्वगंधा को लेने के बाद हमें मिलते हैं। नाउ तो हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को आपको तभी मिलेंगे जब आप 1000 से ज़्यादा डोज लेंगे, तो आपका
पेट जो रहता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक डायरिया हो सकता है, ब्लॉटिंग का इशू आपको आ सकता है और वॉमिटिंग हो सकती है। और अगर आपने ज़्यादा डोज लेना चालू कर दिया तो कई बारी आपके लीवर पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको अश्वगंधा हमेशा सेफ डोज में लेना है, दैट इज अप टू 1000 mg पर डे। आप चाहें तो आप 2 महीने ले सकते हैं, 1 महीने का बीच में गैप दे दीजिए, फिर आप 2 महीने उसे ले सकते हैं। ऑल राइट, आई रिक्वेस्ट यू, आप अश्वगंधा समर में प्लीज़ अवॉइड करिएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अश्वगंधा की जो प्रॉपर्टी रहती है वो ऑलरेडी हीट देती है, और समर में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो ऑलरेडी अप रहता है, इसलिए समर में आप अश्वगंधा अवॉइड करिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, तो आप अश्वगंधा लेने से पहले एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर वो आपको इजाज़त दे तो आप अश्वगंधा स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको अभी तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक नो बीपी, नो शुगर एंड नथिंग हार्ट इश्यूज, तो आप बिना किसी के कंसल्ट के आप अश्वगंधा ले सकते हैं। आप चाहें तो स्टार्ट कर लीजिए थोड़े समय के लिए 250 mg से, फिर उसके बाद आप आइए 500 mg, उसके बाद आप आ सकते हैं 1000 mg तक आप जा सकते हैं। ऑल राइट, तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन ऑफ वीडियो की। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल एक फिटनेस कंटेंट के ऊपर बेस्ड है, और आजकल जो नए टीनेजर है उनको इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं एस्ट्रॉइड के लिए, और उन्हें इतनी जल्दी बॉडी बनानी है, लाइक 2 महीने में उनको एब्स चाहिए, 2 महीने में उनको कंप्लीट लीन मसल मास चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, आप एस्ट्रॉइड लेंगे आपकी बॉडी बन जाएगी, बट कुछ साल बाद, 10-15 साल बाद उनकी बॉडी और उनकी लाइफ एक ऐसे दौर पर गुजरेगी जहाँ पर वो या तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है, या मे बी नॉट पॉसिबल, वो भी खुद ख़त्म हो सकते हैं। दैट इज़ डेफिनेटली ट्रूथ। एस्ट्रॉइड एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो गाइस यू हैव टू नॉट टेक एस्ट्रॉइड। मैं खुद एक नेचुरल एथलीट हूँ, मैं खुद एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ प्लस वेजिटेरियन डाइट के साथ। मैं हर थोड़े थोड़े टाइम में अश्वगंधा, शिलाजीत एंड ऐसे बहुत सारे हर्ब्स लेता हूँ, जिससे मुझे स्टैमिना इंक्रीज होता है, मेरा मसल मास इंक्रीज होता है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है और मेरा फोकस बढ़ता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अश्वगंधा ट्राई करिए, 2 महीने के लिए मेरे कहने पर आप ट्राई कर लीजिए, अप टू 1000 mg तक जाइए, उससे ज़्यादा आप प्लीज़ मत जाइएगा। आप मॉर्निंग में ले सकते हैं लंच के बाद, आप डिनर में ले सकते हैं लंच के बाद, बट एक बार आप ट्राई करिए। आप कोई सा भी अश्वगंधा ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई भी स्पेसिफिक वो नहीं है कि इस ब्रांड का अश्वगंधा ज़्यादा रिजल्ट देगा, इस ब्रांड का अश्वगंधा ज़्यादा रिजल्ट देगा, या इस ब्रांड का अश्वगंधा ज़्यादा रिजल्ट देगा। दैट इज़ कम्प्लीट ओके, सबका अपना अपना ब्रांड है और सब में एक ही प्रॉपर्टी आती है, एंड दैट इज़ अश्वगंधा। हर एक ब्रांड में एमजी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक हिमालयन में मैंने जैसा भी आपको बताया था, पर टैबलेट हमें मिलता है 250 mg, न्यूट्रावे में पर कैप्सूल हमें मिलेगा 500 mg, तो एक दिन का जो डोज हो जाता है वो 1000 mg। और ऐसे बहुत सारे अश्वगंधा आते हैं, हिमालयन ऑर्गेनिक का भी आता है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आपके बजट के अनुसार आपको जो भी अश्वगंधा आपको सही लगे आप उसे ले सकते हो। और आप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने अभी तक अश्वगंधा नहीं लिया है तो आप 250 mg से आप ट्राई करिए, थोड़े टाइम आप 250 mg लीजिए, उसके बाद अगेन 500 mg पे आइए, और फिर 1000 mg तक आप रहिए। 1000 mg से हमें ऊपर नहीं जाना है, दैट इज़ ओके। आई होप आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और मैं हर एक कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सारी डिटेल पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का। This is Ashutosh Sharma signing off for now. Goodbye, take care, and make sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप मुझे Instagram पे फॉलो कर रहे हैं।